Hello students, I am Naveen Kumar Singla from Arohi Model Senior Secondary School Jalalabad. प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास प्लस टू बायोलॉजी का पहला चैप्टर है. और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. कि हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जितने टाइम तक जीवित रहता है, जितने टाइम तक सर्वाइव करता है, वो क्या है? वो उसका लाइफ स्पैन है. एंड द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स. जो लाइफ स्पैन है वो ऑर्गेनिजम्स का वेरी करता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो कि कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ही हो सकता है. जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत लार्ज है, जो कि कुछ हंड्रेड्स टू थाउजेंड ईयर्स तक भी हो सकता है. तो हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को स्टडी करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का बच्चों जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही छोटा है, लगभग 1 to 2 weeks, यानी एक बटरफ्लाई जो है 1 to 2 weeks तक ही सर्वाइव कर सकती है, जीवित रह सकती है. यानी उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 1 to 2 weeks. इसी तरह से अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 1 month है. एक राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज अबाउट 4 months. एक रोज प्लांट जो है वो 10 years तक सर्वाइव कर सकता है, मींस उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 10 years है. क्रो का लाइफ स्पैन 15 years होता है, जबकि काउ, बनाना ट्री और डॉग, इन तीनों का लाइफ स्पैन लगभग 25 years, यानी कि 25 साल जो है ये उसके आसपास होता है. एक हॉर्स का अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो कितना है? 50 years. क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का जो लाइफ स्पैन है वो 60 years है. एलिफेंट्स जो हैं 60 to 90 years तक सर्वाइव करते हैं, मींस उसका जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 90 years है. एक पैरट, पैरट का लाइफ स्पैन 140 years होता है, जबकि टोर्टोइज जो जेंट टोर्टोइज जिसको हम कहते हैं वो 100 to 150 years तक सर्वाइव करता है. और एक बनियन ट्री, बरगद का पेड़, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 200 to 300 years तक हो सकता है. The lifespan of an organism is not necessarily correlated with their sizes. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज से correlated नहीं होता. यानी हम कह सकते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल्स का साइज सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जो लाइफ स्पैन होगा वो भी सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल जो साइज है क्रो और पैरट, जो क्रो है और पैरट है उनका जो साइज है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम साइज होता है, लेकिन फिर भी उनका जो लाइफ स्पैन है वो ग्रेट डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस जो है वो शो करता है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? अबाउट 15 years. और पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 140 years. यानी इनका जो साइज है वो लगभग सेम है, लेकिन फिर भी दोनों जो हैं उनके लाइफ स्पैन में जो है वो लार्ज डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है. इसी तरह से मैंगो ट्री और पीपल ट्री का अगर हम एग्जांपल लें तो मैंगो और पीपल ट्री लगभग सेम साइज जो है वो उनका होता है, लेकिन जो मैंगो ट्री है इट हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री.
साइज लगभग बराबर होते हुए भी मैंगो का जो लाइफ स्पैन है वो पीपल के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है। तो लाइफ स्पैन के बारे में हमने ये पढ़ा कि लाइफ स्पैन जो है वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। और तीसरी बात कि जो लाइफ स्पैन है इट इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, मींस साइज पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है उसकी क्या होगी, डेथ भी होगी। मींस नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होते। इमॉर्टल मींस जिनकी डेथ नहीं होती है, मींस जिसका बर्थ हुआ है उसकी क्या होगी, डेथ भी होगी। लेकिन इसमें हमारी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूगलिना है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम इमॉर्टल कंसिडर करते हैं क्योंकि इनमें नेचुरल डेथ नहीं होती। एक सेल, पेरेंट सेल जिसे हम कहते हैं, वो डिवाइड करके दो डॉटर इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और हमें कोई डेड बॉडी या कोई जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो पीछे पर जो है लेफ्ट नहीं करते हैं और अपना सारा मटेरियल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर इमॉर्टल। बच्चों हमने कहा कि जिस भी इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी सर्टेन है, एक्सेप्ट फ्यू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस इंडिविजुअल का बर्थ होता है उसकी डेथ भी होती है। तो सपोज करें कि अगर सिर्फ डेथ्स हो रही हैं और न्यू बर्थ्स नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, तो कोई भी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो क्या होगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी क्योंकि नए बर्थ नहीं हो रहे हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ जो है जो कि सर्टेन है वो होती जा रही है। तो क्या होगा, कोई भी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती इस अर्थ के ऊपर। तो कौन सा प्रोसेस है जो हमारी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ, कि वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो पपीज प्रोड्यूस करेंगे। कैट्स हैं तो वो अपने ही जैसे किटन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। ह्यूमन बींग्स हैं तो वो ह्यूमन बींग्स को बर्थ देंगे। एक मैंगो ट्री से जो हमें सीड मिलता है उसकी जब हम सोइंग करेंगे तो हमें उससे जो ट्री मिलेगा, उससे जो प्लांट मिलेगा वो मैंगो ट्री ही मिलेगा। मीन्स कि एक इंडिविजुअल अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर इंडिविजुअल जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ भी सर्टेन है और अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो न्यू बर्थ्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। और न्यू बर्थ्स नहीं होंगे, न्यू इंडिविजुअल अगर प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ डेथ्स होती रहेंगी, तो एक स्पीशीज जो है वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है, इट इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे असेंशियल है। और दूसरा मेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है एक ऑर्गेनिज्म में। वेरिएशंस मीन्स डिफरेंसेस,
वेरिएशंस मीन्स डिफरेंसेस, यानी रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रोड्यूस होती हैं, वेरिएशंस, एंड दीज वेरिएशंस दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट जो है अगर चेंज होता है तो वही ऑर्गेनिज्म जो है उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है जिसमें यूजफुल वेरिएशंस हों, जो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर ले। अब जिसमें वेरिएशंस जो हैं वो यूजफुल होंगी, जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, वो अडेप्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली सर्वाइव जो है अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो उस एनवायरमेंट में क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशंस जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। इसी तरह से वेरिएशंस जो हैं दे आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो पूर्वज थे दे वर मंकी लाइक, और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे अंदर जो है वो चेंजेस आई, और जिसकी वजह से हम मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म से किस में चेंज हुए, मॉडर्न मैन में चेंज हुए। तो इस चेंज को, जो ये ग्रेजुअल धीरे धीरे जो चेंज आना किसी स्पीशीज में, इसे हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशन भी तभी होगी जब चेंज आएगा, वेरिएशंस होंगी। तो वेरिएशंस जो हैं दे ऑल्सो लीड्स टू एवोल्यूशन, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री जो है, वेरिएशंस जो हैं वो जरूरी हैं एवोल्यूशन के लिए। अगर वेरिएशंस ही नहीं होंगी तो कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, यूनिपेरेंटल। यूनि मीन्स सिंगल, मीन्स कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व्ड होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजुअली बाई पेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पेरेंटल है, बाई मीन्स टू, यानी यहां पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें एक पेरेंट को हम मेल कहते हैं और दूसरे पेरेंट को हम फीमेल कहते हैं। तो बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाईपेरेंटल है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा यूजुअली बाईपेरेंटल। यूजुअली बाईपेरेंटल क्यों कहा, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जिसमें यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये किस केस में होती है, कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट, यानी वो मेल और फीमेल दोनों की तरह ही काम कर सकता है। और उनमें से भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा कि अपने ही मेल और फीमेल जो है पार्ट के बीच जो है क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो वहां एक ही इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे हम यूनिपेरेंटल कहेंगे। तो जो बाईसेक्सुअल हैं, देखिए बाईसेक्सुअल भी सभी में यूनिपेरेंटल नहीं होती, कुछ ही इंडिविजुअल, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, टेपवॉर्म जो है वो बाईसेक्सुअल है और वो यूनिपेरेंटल, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये हम आगे आने वाले पार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा जो डिफरेंस है कि गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स क्या है, दीज आर सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स या गैमीट फॉर्मेशन जो है इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन
टेक्स प्लेस। यहां गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं, दो तरह के गैमेट्स यहां पे प्रोड्यूस होते हैं। एक जो गैमेट होते हैं जो स्मॉल साइज के गैमेट बनते हैं जिन्हें मेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इन गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है, और दूसरे जो गैमेट्स हैं जो थोड़ा लार्ज साइज के होते हैं इन्हें हम एग या ओवा कहते हैं। तो दो तरह के गैमेट्स जो हैं वो यहां प्रोड्यूस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट, जो मेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। थर्ड डिफरेंस इज न्यू नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नो फ्यूजन यानी कि जो गैमेट्स हैं क्योंकि वो बन ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दो तरह के गैमेट्स यहाँ प्रोड्यूस हुए थे, जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए थे, उनकी क्या होती है, फ्यूजन होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो असेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, असेक्सुअल यूनिपेरेंटल, जबकि सेक्सुअल यूजुअली बाइपेरेंटल है। असेक्सुअल में कोई गैमेट नहीं बनते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल में जो सेल डिवीजन होती है इट इज माइटोसिस, यानी सेल्स जो डिवाइड करती हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन है वो माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, दोनों तरह की डिवीजन जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यंग वन प्रोड्यूस होंगे, द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, एज वेल एज टू द पेरेंट फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस्ड, यानी जिस पेरेंट से वो बने हैं, और आपस में भी जो डॉटर सेल्स बनी हैं, डॉटर इंडिविजुअल्स बने हैं, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और इस तरह के आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को हम क्लोन्स बोलते हैं। यहाँ जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या है, क्लोन। क्लोन क्या है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे से जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो यहां जो यंग वंस हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इस तरह के ग्रुप को आपको बताया क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली जो है वो सिमिलर नहीं होते, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से भी जेनेटिकली डिफर करते हैं और आपस में भी एक दूसरे से जेनेटिकली डिफर करते हैं। लेकिन यहाँ हम एक एक्सेप्शन जो है वो लेते हैं, जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अदरवाइज जब हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट रैपिड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, रैपिड होती है, फास्ट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो असेक्सुअल के मुकाबले स्लो होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रैपिड। लास्ट अगर हम डिफरेंस देखें तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो इट मींस यहां कोई वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगी, यहां क्या प्रोड्यूस नहीं होंगी, वेरिएशंस। और वेरिएशंस मैंने आपको बताया था कि वेरिएशंस क्या हैं, दे आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अगर किसी स्पीशीज की है तो होनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए वेरिएशंस जरूरी हैं। लेकिन यहां क्या नहीं हो रही है, यहां वेरिएशंस नहीं हो रही हैं, इसलिए असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट
टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, एक स्पीशीज की एवोल्यूशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं, तो हम ये कहेंगे कि इट कंट्रीब्यूट्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ड्यू टू वेरिएशंस इट कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। बच्चों हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, वन इज सेक्सुअल एंड सेकेंड इज असेक्सुअल। तो आइए हम दोनों तरह की रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट बिना फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें ना तो गैमीट फॉर्मेशन होती है और ना ही उनकी फ्यूजन होती है, यानी रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो क्या है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से भी सिमिलर होंगे और वो अपने पेरेंट्स जो हैं उनसे भी एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, उनसे भी एग्जैक्टली रिजेंबल करेंगे। इस तरह के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली देखने में भी और जेनेटिकली भी एक जैसे हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं और इस आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह की होती है। तो हम यहां जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो वन इज फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज स्पोरुलेशन एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मीन्स कि जो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन। फिजन क्या है? फिजन इज स्प्लिटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक पेरेंट इंडिविजुअल स्प्लिट हो रहा है इनटू टू और मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी एक इंडिविजुअल जो है अगर स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। तो फिजन क्या है? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इंटू टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में स्प्लिट होना, टूट जाना, उसे हम क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। फिजन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो स्प्लिट हो रहा है इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म टू डॉटर इंडिविजुअल्स में स्प्लिट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जो है वो स्प्लिट होके मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। बाइनरी मीन्स टू, मल्टीपल मीन्स मैनी। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके कितने डॉटर इंडिविजुअल बना रहा है, टू डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल स्प्लिट होके मोर देन टू, कितने, मोर देन टू डॉटर इंडिविजुअल्स अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा कि फिजन दो तरह की है, वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हमने कहा कौन सी फिजन होती है,
जिसमें एक इंडिविजुअल कितने में स्प्लिट होता है, दो डॉटर इंडिविजुअल में स्प्लिट होता है, तो उसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे। तो आइए हम बाइनरी फिजन को अमीबा की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो दिखा रखा है ये पेरेंट अमीबा है। ये क्या है? पेरेंट अमीबा। और पेरेंट अमीबा में ये जो रेड कलर का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? इट इज न्यूक्लियस। अब क्या होगा कि पेरेंट अमीबा में न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है। न्यूक्लियस देखिए, स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है, लेकिन ये न्यूक्लियस जो है ये क्या हो जाता है, थोड़ा इलोंगेट करता है, और इसमें न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो स्टार्ट होती है, और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, और इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और मैंने अभी आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होती है वो डिवीजन कौन सी होती है, माइटोसिस। तो यहां जो डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की वो माइटोटिक डिवीजन हो रही है, और माइटोटिक डिवीजन से एक न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके कितने न्यूक्लियस यहां प्रोड्यूस कर रहा है, टू न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। अब सेल जो है वो डिवाइड करती है, क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और सेल डिवाइड करके दो डॉटर इंडिविजुअल्स यानी डॉटर अमीबा जो है वो प्रोड्यूस करती है, और ये दो डॉटर अमीबा जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे से भी जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ये जो दोनों अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं डॉटर अमीबा, वो एक दूसरे से भी जेनेटिकली सिमिलर हैं और अपने पेरेंट से भी जेनेटिकली रिजेंबल करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं, और अमीबा जो है बाइनरी फिजन शो करता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशन उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होती हैं तो अमीबा जो है वो डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिजन। बच्चों हमने कहा कि बाइनरी फिजन जब होती है तो एक इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेन, कि किस प्लेन में जो है स्प्लिटिंग हो रही है, फिजन को हमने, बाइनरी फिजन को हमने डिवाइड किया है सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर हम बात करते हैं सिंपल बाइनरी फिजन की, सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि यहाँ जो अमीबा स्प्लिट होता है वो किसी पार्टिकुलर प्लेन में फिक्स्ड नहीं है कि किस प्लेन में वो डिवाइड करेगा। अमीबा में स्प्लिटिंग जो है किसी भी प्लेन में, वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकता है, इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकता है, मतलब जितने भी पॉसिबल प्लेन्स हैं उसमें वो डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन इसको कहा जाता है, या इसको हम इररेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो है उसका अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हम युगलिना की बात करें, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां जो स्प्लिटिंग होगी वो लॉन्गिट्यूडनली, जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो दो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह की बाइनरी फिजन को हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो कि युगलिना के अंदर जो है वो होती है। इसी तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, कि अगर जो डिवीजन हो रही है, जो स्प्लिटिंग हो रही है, वो ट्रांसवर्सली हो रही है, इस तरह से कौन से प्लेन में हो रही है, ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डिवीजन। मींस जो बाइनरी फिजन है उसमें अगर किसी भी प्लेन में अगर वो दो में स्प्लिट हो सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन। अगर वो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो स्प्लिट हो रहा है दो में, तो लॉन्गिट्यूडनरी फिजन। और अगर वो दो में स्प्लिट हो रहा है किस तरह से, ट्रांसवर्सली, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो इसको कहा जाता है।
एक इनमें स्पेशल जो आपको पॉइंट नोट करना है कि इन ऑर्गेनिज्म में देखिए सेल डिवीजन ही हो रही है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि सेल डिवाइड कर रही है, जैसे हमने अमीबा में देखा कि एक सेल जो है वो डिवाइड करके और उसने दो डॉटर अमीबा जो है वो बना दिए, या एक युगलीना जो है उसने डिवाइड करके कितने दो युगलीना जो है वो प्रोड्यूस कर दिए, एक युगलीना से दो युगलीना जो है वो प्रोड्यूस किए, या एक पैरामीशियम ने दो पैरामीशिया जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए। तो इसमें जो है जो सेल डिवीजन है इट इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपने क्या बताना है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सेल डिवीजन ही जो है इटसेल्फ क्या है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बच्चों फिजन की जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है, वो है मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन जो है वो भी हम एग्जांपल किसमें स्टडी करेंगे, अमीबा में। अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन भी शो कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया वो बाइनरी फिजन कब शो कर रहा था, जब वो फेवरेबल कंडीशंस थी ग्रोथ के लिए। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस, जब ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उस टाइम जो अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया जो हैं इनको क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है। सूडोपोडिया को विड्रॉ करता है, बिकम्स राउंडेड, और अपने चारों तरफ थ्री लेयर्ड थिक वॉल जो है वो सेक्रीट करता है। क्या सेक्रीट करता है, थ्री लेयर्ड एक वॉल सेक्रीट करता है, और इस वॉल को हम सिस्ट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इस वॉल को, सिस्ट वॉल। और जो प्रोसेस है इस सिस्ट वॉल को सेक्रीट करना, इसको एनसिस्टेशन कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन जो है ये बोलते हैं। जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं अमीबा जो है वो एनसिस्टेड स्टेज में ही रहता है, यानी कि इस स्टेज में जहां थ्री लेयर्ड सिस्ट वॉल उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो मिलती हैं, तो अमीबा में देखिए क्या प्रेजेंट है, एनसिस्टेड स्टेज में अमीबा में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करके क्या करता है, कई डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये प्रोड्यूस कर देता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस स्प्लिट होके कई डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये बनाता है, या लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। और हर डॉटर न्यूक्लियाई जो है फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स, जिनको हम सूडोपोडियो स्पोर्स बोलते हैं। इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है, सूडोपोडियो स्पोर्स। और उसके बाद जो सिस्ट वॉल है, क्योंकि अब फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, उस थिक वॉल की सिस्ट वॉल की जरूरत नहीं है, ये सिस्ट वॉल जो है ये रप्चर कर जाती है, ये सिस्ट वॉल टूट जाती है। और जब ये सिस्ट वॉल टूटती है तो ये सूडोस्पोर्स जो हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स जो प्रोड्यूस हुए थे ये लिबरेट होते हैं, और ये सूडोपोडियोस्पोर्स जो हैं ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करके मैच्योर अमीबे जो हैं डॉटर अमीबा ये प्रोड्यूस करेंगे। हर एक सूडोपोडियोस्पोर से एक अमीबा जो है वो प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे, तो जो नंबर ऑफ डॉटर अमीबा प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या होंगे, मोर देन टू, यानी इस फिजन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे।